नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका लर्न मैजिक यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है स्वर्णिम पाठक और दोस्तों आज आपके लिए ताश के पत्तों का एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग मैजिक लेकर के आया हूँ। और दोस्तों इस मैजिक को ताश के पत्तों का होली ग्रेल या बेस्ट मैजिक ताश का बोला जाता है। आपने कभी ना कभी सुना तो होगा इस मैजिक के बारे में, देखा ना भी हो। इस मैजिक को करने के हज़ारों तरीके हैं लेकिन जो इफेक्ट है वो सेम है। होता क्या है, एक रैंडम नंबर चूज़ किया जाता है 1 से लेकर 52 के बीच में और एक रैंडम पत्ता चूज़ किया जाता है जैसे कि पान का बच्चा, और फिर एक डेक में से उन पत्तों को नीचे बांटा जाता है। जो नंबर चूज़ किया गया था, मान लीजिए 25 नंबर चूज़ किया गया था, तो 25 पत्तों को बांटा जाता है और 25वां पत्ता निकलता है आपका चूज़ करा हुआ पान का बच्चा। इस रूटीन को करने के, मैंने फिर से बोला, हज़ारों तरीके हैं, हज़ारों मैजिशियंस ने अपने अपने तरीके निकाले हैं। मैं जो आपको आज तरीका बताने वाला हूँ ये काफ़ी हद तक बहुत आसान तरीका है, हर कोई इसे कर सकता है बहुत ही कम प्रैक्टिस के साथ, और कोई स्पेशल डेक इसमें इस्तेमाल नहीं होगी, नॉर्मल डेक से ही जादू किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में एक गिव अवे भी आ रहा है, तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। और चलिए अब पहले आपको परफॉर्मेंस देते हैं और फिर इस मैजिक के ट्यूटोरियल में चलेंगे। तो चलिए दोस्तों मैजिक शुरू करते हैं, और यहाँ पर देखिए हम सब कुछ रैंडमली चूज़ करेंगे, और चूज़ करने के लिए हम लोग इस ब्लू कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा लकी कार्ड है। और अब पहले हम चूज़ करेंगे एक नंबर, एक पोजीशन जहाँ पर कि हमारा चोजन कार्ड निकल के आएगा। तो पहले पोजीशन चूज़ कर लेते हैं और मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास एक रैंडम डेक ऑफ कार्ड है, सारे के सारे जो पत्ते हैं इसके बिल्कुल अलग अलग हैं। और इस रैंडम डेक में से मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस ब्लू कार्ड को इस डेक के कहीं भी बीच में डाल दें, कहीं भी बीच में इसको डाल दें, जहां भी उनको मन करे। ओके, ये पोजीशन फाइनल है, आप चेंज नहीं करना चाहेंगे। ओके, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं अभी भी। तो मैं इसको बंद करता हूं दोस्तों, और मैं एक बार आपको दिखा दूं दोस्तों कि ये जो कार्ड है एक्चुअली ऐसा कोई स्पेशल कार्ड नहीं, ये एक जोकर ही है, लेकिन फिर भी मैं इसको अपना फेवरेट कार्ड बोलता हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस जोकर के पास जो दो कार्ड आए हैं ऊपर नीचे वो कौन से हैं। ठीक है, तो जो दो कार्ड निकल के आए हैं दोस्तों वो आए हैं 9 और 3। अब 93 तो कोई नंबर होता नहीं क्योंकि 52 ही पत्ते होते हैं, तो हम 39 नंबर जो है उसको ले लेंगे, यानी कि जो भी हम जादू करेंगे, जो भी हम पत्ता निकालेंगे वो 39 नंबर पे आना चाहिए, 39। चलिए अब जादू आगे बढ़ाते हैं, और अब हम उस पत्ते का नंबर और कलर चूज करेंगे, फिर से बिल्कुल रैंडमली चूज करना चाहेंगे। तो फिर से आप जो है इस जोकर को उठा के कहीं भी डाल दीजिए, और आप चाहें तो अपना मन अभी भी बदल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं इस बार जो है जोकर के ऊपर और नीचे कौन से पत्ते आए हैं, और ये बाकी डेक को हम यहाँ रख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाला पत्ता है इसको हम कलर मान लेंगे, यानी कि हुकुम, पान, चीड़ीट, और नीचे वाला जो पत्ता है उसको हम नंबर मान लेंगे। तो जो कलर है वो है पान, और जो पत्ता है वो है बेगम, यानी पान की बेगम, यानी कि पान की बेगम इस गड्डी में 39 पोजीशन में अगर निकल जाए तो आप सोचिए कि कितना मजा आएगा। चलिए देखते हैं, एक एक करके पत्ते नीचे रखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए। और दोस्तों एक शिकायत है आपसे कि आप लोगों ने बेल आइकन को अभी भी नहीं दबाया हुआ है, तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों गिव अवे जो है उसके रिजल्ट भी आपको तभी पता चल पाएंगे जब आप बेल आइकन को दबाएंगे, क्योंकि
तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप टाइम पे अपने गिव अवे के रिजल्ट्स को क्लेम कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको इस वीडियो का ट्यूटोरियल देते हैं और गिव अवे भी आने वाला है दोस्तों वीडियो के अंत में, तो बने रहिए। तो दोस्तों, ये जो मैजिक है ये एक प्योर मैथमेटिक्स का मैजिक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जादू करने के एक सेम इफेक्ट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ये जो तरीका है मेरे ख्याल से सबसे आसान तरीका है। बहुत ही कम सेटअप चाहिए, बहुत ही कम हाथ की सफाई चाहिए, लेकिन वही इफेक्ट आप कर सकते हैं जो बड़े से बड़े जादूगर स्टेज में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस मैजिक के लिए हम एक स्पेशल स्टैक का इस्तेमाल करते हैं, एक स्पेशल सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, डेक को एक पैटर्न में अरेंज करते हैं और उस पैटर्न का नाम है सी स्टेबेंस पैटर्न। तो दोस्तों, फटाफट आपको बताते हैं सी स्टेबेंस डेक क्या होती है, उसको कैसे सेटअप किया जाता है। देखिए, सी स्टेबेंस डेक में एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है? चीड़ पान हुकुम ईट का। इसको चेस्ट करके याद भी किया जाता है, हालांकि इस जादू के लिए आपको उसको याद नहीं करना है, लेकिन इसके कई सारे और भी रूटीन हैं जो मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगा, तो उनके लिए आप याद रख सकते हैं कि इसको चेस्ट बोला जाता है। सी फॉर क्लब्स, एच फॉर हार्ट्स, एस फॉर स्पेड और डी फॉर डायमंड, ठीक है। तो एक चिड़ी, एक पान, एक हुक्म, एक ईंट से ये स्टैक बनता है। ऐसे रैंडमली पत्तों को जोड़ा जाता है। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि पत्तों का आपस में तीन तीन का डिफरेंस होता है, यानी कि यहाँ पर अगर चिड़ी का इक्का है तो उसका अगला पत्ता पान का चौवा होगा, उसका अगला पत्ता हुक्म का सत्ता होगा। अब आप अगर इसको ऐसे करने लगेंगे एक एक करके तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। फटाफट करना है तो सिंपल है, आप ये चारों पत्तों को अलग कर लीजिए, चारों कलर्स को अलग कर लीजिए, चिड़ी का इक्के से लेकर के बादशे को ऐसे एक सीक्वेंस में रख दीजिए, ऐसे ही पान में, ऐसे ही हुक्म में, ऐसे ही ईंट में रख दीजिए, फिर चिड़ी का इक्का पीछे से निकाल के आगे रख दे, ठीक है। पान में इक्का निकालें, दुग्गा निकालें, तिग्गी निकालें, चौवा निकालें, ठीक है। हुक्म में इक्का, दुग्गा, तीन, चार, पाँच, छः, सात, इस तरीके से निकालें एक एक करके, ठीक है। और ईंटे में आप गुलाम बेगम बादशाह को पीछे डाल दें और यहाँ पर दस को लें, ठीक है। तो एक, चार, सात, दस, यहाँ से आपको शुरू करना है। कैसे करना है? एक लें, चार लें, सात लें, दस लें, फिर किंग लें, तीन लें, छः लें, नौ लें, ये अपने आप बनता जाएगा, एक एक करके लेते रहेंगे बनता जाएगा। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी सी स्टेबेंस का स्टैक तैयार हो गया है। देखिए, चिड़ी पान हुकुम ईट, चिड़ी पान हुकुम ईट, और प्लस थ्री है इक्का चौवा सत्ता दहला, फिर किंग थ्री सिक्स नाइन, फिर क्वीन टू। तो इस तरीके से देखिए, प्लस थ्री और चिड़ी पान हुकुम ईट का सीक्वेंस है, पूरी गड्डी में सेटअप हो चुका है। तो ये तो हो गया सी स्टेबेंस का सेटअप। इसके अलावा दो चीज़ें आपको और करनी है। एक तो आपको ये ब्लू कार्ड चाहिए ताकि इसको आप ऐसा लकी कार्ड या ऐसा सेपरेटर कार्ड इस्तेमाल कर पाए। इसके अलावा आपको दो कार्ड और चाहिए, एक्स्ट्रा कार्ड चाहिए इस डेक के 52 पत्तों के अलावा। ये दो कार्ड क्या है? 3 और 9, यानी कि आप 3 और 9 को फोर्स करते हैं, यानी 39 पोजीशन को आप फोर्स करते हैं। कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। इसको ऊपर रख दीजिए एक पत्ते को, एक को नीचे रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि 9 और 3 दो बार आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक तो डेक में है और एक आपने एक्स्ट्रा डाला है। तो ऑडियंस ध्यान नहीं देती है जब तक कि आप सिलेक्शन में फंस जाएं। वो फंस गए तो फिर वहाँ पर आपका जादू पकड़ा जाएगा, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ऑडियंस को पत्ते दिखाने हैं। देखिए, सारे पत्ते रैंडम हैं, हालांकि हमें पता है सी स्टेबेंस डेक का सेटअप है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको इन पत्तों को फैलाना है और ऑडियंस से इस कार्ड को उल्टा रख के कहीं डालने को बोलना है। तो ऑडियंस मान लीजिए इसे यहाँ डालती है, कहीं भी डालती है, तो अब आपको क्या करना है, आपको अभी पहला मूव करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए, इस डेक को बंद करना है और बंद करके हमें ये ऊपर वाला और नीचे वाला पत्ता इसे फोर्स करना है। तो इसको हम फोर्स कैसे करेंगे, देखिए, मैंने इसको बंद किया और उसके बाद मैंने इसको ऐसे पलटा और पलट के यहाँ ऊपर रख दिया और फिर मैंने नीचे वाले हिस्से को पलट के इसके ऊपर रख दिया। तो ये जब जल्दबाजी में किया तो आपको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया हुआ है, बट एक्चुअली में आपने जो ओरिजिनल पोजीशन में इस पत्ते को डाला हुआ था, जो यहाँ पर था, यानी कि ये दो जो कार्ड थे, एक्चुअली में यहाँ नहीं रहा, मैंने इसको निकाल के ऊपर रख दिया और फिर ऐसे रख दिया। तो ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, ऐसा करने से अब जो दो कार्ड इसके अगल बगल में आते हैं ये मैंने निकाल दिया, बाकी डेक को मैं वैसे ही वापस जोड़ दूंगा, कुछ इसमें चेंज नहीं करूंगा, कुछ भी शफलिंग नहीं करूंगा, इसको यहाँ रख दूंगा।
तो अब मैंने ये 3 और 9 फोर्स कर दिए। अब 93 तो नंबर बन नहीं सकता है, तो आप 39 नंबर फोर्स करेंगे, 39 नंबर फोर्स हो गया। अब बात करते हैं पत्ते की, तो फिर से आप इस डेक को बिना शफल करे हुए फैलाएंगे। इस बार फिर आपकी ऑडियंस कोई भी रैंडम जो को इस पत्ते को डाल सकती है, आप इनको चॉइस भी दे सकते हैं कि आप चाहें तो बदल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जादू फिर भी होगा। अब जो भी पत्ता आपकी ऑडियंस ने चूज़ करा उसके ऊपर के पत्तों को इधर कर दें, उसी तरीके से नीचे का एक पत्ता छोड़ के बाकी पत्ते इधर कर दें। लेकिन अब आपको करना क्या है कि इस साइड वाले पत्तों को, नीचे वाले पत्तों को उठा करके इसके ऊपर रख देना है। ये ध्यान रखें, अगर ऊपर नहीं रखेंगे तो जादू नहीं होगा। बस ये करके आप यहाँ रख दें, आपकी डेक ऑटोमेटिकली सेटअप है 39th पोजीशन में। आपका जो भी पत्ता यहाँ पर आएगा वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेट हो गया है सी स्टेबल्स डेक की वजह से। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला पत्ता है उससे आप कलर डिटरमाइन करेंगे, यानी कि हुकुम 5 डिटरमाइन करेंगे, और नीचे वाले पत्ते से आप उसका नंबर डिटरमाइन करेंगे। उल्टा करेंगे तो नहीं होगा जादू, सीधे नहीं होगा। तो कलर है हुकुम और नीचे वाला पत्ता ये नंबर बताएगा 10, यानी 39th पोजीशन में हुक्म का गहला निकलेगा आपका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, हुक्म का गहला। अब दोस्तों एक आखिरी चीज़ आपको बता देता हूँ, एक आखिरी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ईंट का नहला यहाँ भी निकल जाए, या ये जो चीड़ी की तिग्गी थी वो यहाँ निकल जाए। उस केस में आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सेफ खेलना है तो जब नंबर डिसाइड हो जाए ना, तो ये नंबर के पत्तों को उल्टा करके रख दें ताकि इसको ऑडियंस देख ना पाए। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में उनको याद नहीं रहेगा इनके पत्ते कलर। तो आप इसको उल्टा करके रख सकते हैं, इसको वापस डेक में ना मिलाए वरना जादू नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अब चलिए गिव अवे के रूल्स में चलते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं गिव अवे की, क्या मैं देने वाला हूँ आज के इस गिव अवे पे। दोस्तों आज के इस गिव अवे में आपको मिलने वाली है बाइसाइकिल की एक ओरिजिनल नई डेक। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको दूंगा ये 2 एक्स्ट्रा पत्ते जो मैंने आज की रूटीन में इस्तेमाल करे, 3 और 9, और साथ ही साथ आपको दूंगा ये ब्लू वाला जोकर, ताकि आप खुद इस रूटीन को परफॉर्म कर सके अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, एक विनर को ये मिलेगी, और कैसे मिलेगी, क्या करना है पार्टिसिपेट करने के लिए। पहली चीज़ आपको करना है इस वीडियो को लाइक, और दूसरी चीज़ आपको नीचे कमेंट में मुझे लिख के बताना है कि आज तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड करे हुए हैं मैजिक के, उसमें आपका फेवरेट वीडियो कौन सा था और क्यों था। चलिए दोस्तों सारे कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और उसके बाद अगले हफ्ते विनर को अनाउंस करूंगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए जब भी इसका रिजल्ट आए। चलिए फिर मिलते हैं।